हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ डालगोना कॉफ़ी, जो कि आजकल काफ़ी वायरल है और काफ़ी फेमस भी है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, ये इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है। फिर उसमें आप ऐड कर दें 2 टेबल स्पून शुगर, अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं तो फिर 2 टेबल स्पून कॉफ़ी एंड 2 टेबल स्पून ही आपको डालना है इसमें शुगर। तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून जितना हॉट वाटर, इसमें आपको गर्म पानी ही लेना है। तो आज मैं इसे बीट करने वाली हूँ विस्क से। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो फिर आप स्पून यूज़ कर सकते हैं, बट स्पून से ये 3 से 4 मिनट ले लेती है बीट होने में, और इवन आपके हाथों में पेन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है वो विस्क, क्योंकि विद इन 1 मिनट ये बीट हो जाता है, और आप देख सकते हैं जस्ट 15 सेकेंड्स के बाद ही इसके अंदर जो है जाग आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे आप इसे फेंटते रहेंगे इसका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा और लास्ट में एकदम ब्राइट हो जाएगा, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है मतलब थिकनेस वो और बढ़ती जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ही लाइट हो गया है। तो कॉफ़ी और शुगर जो है बहुत अच्छे से बीट हो गया। मैं इसे ग्लास पकड़ के भी देखिए इस तरह बीट कर रही हूँ, आप भी इस तरह कर सकते हैं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब जल्दी से बना लेते हैं कॉफ़ी। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास ली है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ हॉट मिल्क। जो दूध है वो आप काफ़ी गर्म ले अगर आपको हॉट कॉफ़ी बनानी है, और इसको 3/4 ग्लास जितना आप भर दे। उसके बाद हमारा जो कॉफ़ी का मिक्सचर है तो 2-2.5 टेबल स्पून जितना आप इसके ऊपर डाल दे, और एक बार चम्मच से इसे फैला ले। उसके बाद आप इसके ऊपर चॉकलेट या फिर आप डाल सकते हैं कोको पाउडर, जो आपको पसंद है आप इसके ऊपर डाल दीजिए। और एक बार मैं इसे फिर से मिक्स कर रही हूँ, और ये हमारी हॉट व्हिप्ड कॉफ़ी जो है रेडी है, और गर्मा गर्म इसे आप इंजॉय करें। तो अब जल्दी से बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी डालगोना। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक ग्लास ले ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ चिल्ड मिल्क। मैंने यहाँ पे चिल्ड मिल्क लिया है और आइस क्यूब नहीं डाल रही, बिकॉज आइस क्यूब डालने से जो दूध है वो पतला हो जाएगा। तो अगेन मैंने जो हमारा कॉफ़ी का मिक्सचर है वो इसके ऊपर डाला और उसको बहुत अच्छे से फैला दिया। इसके ऊपर आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर चॉकलेट सॉस। और देखिए ये हमारी जो कोल्ड कॉफ़ी या फिर डालगोना व्हिप्ड कॉफ़ी रेडी है, और इसे आप इंजॉय करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब।